डिटेक्शन डॉग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कुत्तों की ये जाति संदिग्ध चीजों को सूंघकर खोज निकालने के लिए जानी जाती है। इसमें कई प्रजातियों की नस्लें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग सेना द्वारा जमीन में छुपे विस्फोटक पदार्थ को खोजने के लिए किया जाता है। मगर अब देखिए अफ्रीका की इस जगह को, जहाँ इसी काम के लिए चूहों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनके टेस्ट के बाद उनसे भी यही काम लिया जाता है। इन चूहों को ट्रेनिंग देने वाले लोग कहते हैं कि कुत्तों की जगह चूहों को इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह में इनका आकार होता है। चूहे कहीं भी और छोटी से छोटी जगह पर आसानी से घुस जाते हैं और अपने काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इनका आकार छोटा होने की वजह से ये काफी सस्ते भी होते हैं। कुत्तों की अपेक्षा इन्हें बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता है और इसी वजह से ये पूरी तरह सूंघकर सुरंग को ढूंढ निकालने की क्षमता पर निर्भर रहते हैं और इस काम को बड़ी ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन इन जानवरों को ट्रेनिंग देना भी आसान नहीं होता। बारूद जैसे घातक पदार्थ को पहचानने के लिए इन्हें कई महीनों तक लैबोरेटरीज के अंदर रखा जाता है, जहां इनकी कई महीनों तक ट्रेनिंग चलती है। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद इन्हें एक मैदान में एक टेस्ट से गुजरना होता है, जहां इन्हें विस्फोटक पदार्थों को पहचानना होता है और इस टेस्ट को पास कर देने के बाद इन्हें इनके असली काम पर भेज दिया जाता है। लेकिन सभी कुछ हमेशा सही चले ऐसा हर कहीं जरूरी नहीं। जैसे कि सभी तरह के लोग हमारी दुनिया में रहते हैं, उसी तरह इन चूहों में भी सभी तरह के चूहे इनमें शामिल होते हैं। कुछ चूहे ट्रेनिंग को अच्छी तरह पूरा करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं, जबकि इनमें से कुछ काम पर जाने के योग्य हो ही नहीं पाते। इन चूहों की ट्रेनिंग में कुछ महीनों से एक साल तक का समय लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चूहों का लाइफ सर्कल सिर्फ 2 से 3 साल तक ही होता है और उसमें भी लगभग आधी जिंदगी इनकी ट्रेनिंग में ही गुजर जाती है। चूहों को ट्रेनिंग देने वाला ये स्कूल वाकई में अफ्रीका का बड़ा ही दिलचस्प और जुगाड़ू तरीका है। दुनिया में खतरनाक रास्ते तो आपने देखे ही होंगे। भारत में भी कई पहाड़ी वाले इलाके में ऐसे कई रास्ते होते हैं कि जहां पर ड्राइवर से अगर एक भी गलती हुई तो। अब मिलिए ऐसे ही एक बंदे गोरोसियो से। गांव वालों का मसीहा, जिसकी जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में आती है, जो अकेला ऐसा ड्राइवर है जो तब से बस चला रहा है जब से ये 14 साल का था। बंदे को अपना काम करते करते आज 50 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। साउथ अमेरिका के पेरू नाम की इस जगह की पहाड़ियों की सड़कों पर हर साल हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। लेकिन देखिए इस बंदे के चेहरे को, क्या कोई हिचकिचाहट नजर आती है? इस बंदे के लिए ये बस एक रोज का ही काम है। इस रास्ते पर बस चलाते हुए इन्हें लगभग 12 साल हो चुके हैं। यहाँ पर एक बार में सिर्फ एक ही बस निकल सकती है, किसी दूसरे ट्रैफिक की यहाँ गुंजाइश ही नहीं। यात्रियों के लिए तो ये बस ड्राइवर की ही तरह बस एक आम दिन है, इसलिए उनके चेहरे पर भी आप सुकून देख सकते हैं। शायद उन्हें ड्राइवर के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ड्राइवर इस रास्ते पर बड़ी ही आराम आराम से बस चलाता है और शायद यही वजह है इनके इतने लंबे करियर की। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी छोटी सड़क पर दो गाड़ियों के निकलते समय कभी कभी वो आपस में ही फंस जाती हैं, फिर उन्हें छुड़ाने में ही अच्छा खासा समय लग जाता है। जितनी बड़ी और जितनी भारी गाड़ी होती है उन्हें छुड़ाना उतना ही भारी हो जाता है। लेकिन अब देखिए इन दो ट्रेनों को, जो आपस में ही ऐसे अटक गई कि आगे बढ़ ही नहीं पाई। काफी देर और मशक्कत के बाद इन्हें पहले जैसा किया गया। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और जाते जाते एक बात और गाइस, देखिए इस माचिस की तीली को, अगर एक तीली को कहीं पे भी जलाते हैं तो ये कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर कई कुंतलों के हिसाब से इसे कहीं पर रख दिया जाए तो ये एक घातक बॉम्ब बन जाएगी। इसी तरह जो वायरस इस समय पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। भले ही इस बीमारी का इस समय कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये बीमारी कोई ज्यादा घातक नहीं है। अभी तक इससे काफी लोग रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक महामारी का रूप ले सकता है। इसीलिए सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।